हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आई एम अजय कृष्ण पाठक। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा मेटल लिक्विड अमोनिया के बारे में, सॉल्वेट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। बिकॉज मेटल लिक्विड अमोनिया या तो फिर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की बहुत सारी रिएक्शन है, बट बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि किन किन मेटल के साथ मेटल लिक्विड अमोनिया एग्जिस्ट करेगा या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कलर पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए आप सभी लोग बात करते हैं। बेसिकली अगर जब मैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करता हूँ, तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जब हम सोल्यूशन में इसे डिसॉल्व कर देते हैं। ज्यादातर अगर हम बात करते हैं अनदर सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो है बाकी सारे सोल्यूशन में डिजोल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बट जनरली जब हम अमोनिया के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं या हेक्सामिथाइल फास्फोरामाइड के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के डिसॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कशन करें, अगर मैं बात करना चाहूँ इसके रिस्पेक्ट में, जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है, मेटल को आपने अगर डिसॉल्व किया तो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये कुछ भी आपका सोल्यूशन हो सकता है। जिसमें मैं अमोनिया सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि अमोनिया सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में जो है ये डिजोल्व हो जाता है। बट यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, वो किससे होगा, प्रोटॉन के साथ इंट्रैक्शन होगा, और ये कम्प्लीटली जो है डिजोल्व हो जाता है। और जब डिजोल्यूशन होता है तो डिजोल्यूशन होने के साथ साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे भी फर्क पड़ता है। उन प्रॉपर्टीज पे फर्क कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ कौन कौन से मेटल होंगे जो इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन का क्या एप्लीकेशन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं, जब मेटल को हम डिसॉल्व करते हैं, मेटल को लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में अगर हम डिसॉल्व करते हैं, खास करके वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कली मेटल को जब आप डिसॉल्व करते हो, तो ये ब्लू कलर शो करता है। ब्लू कलर पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लू कलर शो करता है, इसका जो कलर होता है डार्क ब्लू कलर होता है। बट जब हम बात करते हैं तो ये ब्लू कलर डिसअपियर भी होता है या कलर चेंज भी होता है। और जब ये ब्लू कलर शो करता है, तो जब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड होते हैं, और अनपेयर्ड जब ये होंगे तो ये क्या कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो आपके लिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब लिक्विड अमोनिया का सोल्यूशन ब्लू कलर शो करता है तो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, कंसंट्रेट सोल्यूशन के बारे में बात करते हो, मतलब 3 मोलर के ऊपर बात करते हो, 3 to 4 मोलर के आसपास की जब आप बात करते हो लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन के बारे में जब डिस्कशन करते हो, तो ब्लू कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। और चेंज होके किस में चेंज हो जाता है, आपका ब्रॉन्ज कलर में। ब्रॉन्ज कलर, या तो फिर हम किसके बारे में बात करें, कॉपर कलर में जो है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे जो फर्क पड़ता है, जब ये ब्रॉन्ज कलर की बात करते हैं, तो ब्रॉन्ज कलर के केस में क्या हो जाता है कि ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो जो कलर है और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जो ये कलर शो करता है, वो कलर शो करने के पीछे रीजन जो होता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, जब आप इन्हें लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो, तो जो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहाँ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल विजिबल रेंज में जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। और विजिबल रेंज की रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ये ब्लू कलर या आपको प्रॉपर कलर शो करते हैं। बट ऑलवेज रिमाइंड, द ब्लू कलर अपियर्ड इन लो कॉन्सेंट्रेशन, बट विद बी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन अप टू 3 मोलर, देन द कलर विल बी डिसअपियर टू चेंज इन व्हाट,
copper color and the mag and the paramagnetic behavior, a magnetic behavior of the solution also change. In blue color solution कैसा है paramagnetic, while in copper color solution कैसा है diamagnetic. तो ये काफी ज्यादा important है इसके respect में. आगे अगर हम इसके respect में बात करें कि कौन कौन से metal ऐसे हैं जो liquid ammonia solution में dissolve होंगे, तो हम अगर discussion करते हैं तो most of हमारे जो alkali metal होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं. जितने भी आपके अल्कली मेटल मेटल होते हैं सारे लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम ये भी क्या होते हैं, लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं. मैग्नीशियम इज ऑल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन एंड यूजिंग एन इन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस गिविंग कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर. ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर देता है. तो मोस्ट ऑफ जो ब्लू कलर ही देते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो तो कलर के चेंज होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है. और हम बात करें तो यूरोपियम एंड युट्रेबियम जो भी है आपके इनर ट्रांजिशन मेटल, दे ऑल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन एंड से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विद रेस्पेक्ट टू अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. आगे अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जब भी आपका लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन जो होगा लिक्विड NH3 अगर आप मेटल आपका प्रेजेंस है और ये अगर प्रेजेंस है ये अगर प्योर है, तो प्योर अगर जब भी होगा ये, तो जब आप इसे इवेपोरेट करोगे क्या करोगे, जब आप इसे इवेपोरेट करोगे तो इवेपोरेट करने के बाद क्या है मेटल आपका इजिली, आप मेटल को क्या कर लोगे फाइंड आउट कर लोगे, इजिली गेट बैक. इफ प्योर देन ऑन इवेपोरेशन मेटल गेट बैक इजिली, बट अगर इम्प्योर होगा कोई और इम्प्योरिटी अगर इसमें प्रेजेंट होगी, तो जब हम बात करेंगे और जब आप वो इवेपोरेट करोगे इम्प्योर सोल्यूशन को, इम्प्योर सोल्यूशन अगर है जब आप उसे इवेपोरेट करोगे तो किसके फॉर्मेशन के चांसेस हैं, अमाइड के फॉर्मेशन के चांसेस हैं. ये मेटल और ये आपका क्या NH2+H2 अमाइड के फॉर्मेशन के चांसेस हैं. बट ये किसके केस में, दिस एग्जिस्टिंग व्हाट, दिस एग्जिस्टिंग ओनली अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल में भी किसके साथ एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के बाकी आपके जितने भी हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा कि अमाइड का फॉर्मेशन करेगा जब इम्प्योर होगा. बट जब हम बात करेंगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिथियम एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम, बेरिलियम, इनके बारे में बात करेंगे पूरे अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो ये हेक्सा एमिनेटेड अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा अमीन के लिगेंड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना 6 हो जाएगा, मींस ये अमाइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. तो ये सेकंड जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस रेस्पेक्ट में. आगे अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो जैसे देखो आपसे जनरली क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि व्हेन सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया ए कलर ऑफ डीप ब्लू कलर इज ऑब्टेंड, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर जो है वो शो करता है. ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो प्रॉब्लम नहीं होगी. इसके एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें कि इनका एप्लीकेशन क्या होता है, तो जनरली जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप बात करते हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. इसका सुपर ऑक्साइड का, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं आपके सुपर ऑक्साइड का. जब हम बात करते हैं किसके थ्रू रिएक्शन का, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के बारे में जब आप डिस्कशन करते हो, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हो, तो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये
हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोक्सिल रेडिकल का। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो दो तरह के ये फॉर्मेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये मेटेलिक क्लस्टर आप देख ही रहे हो कि मेटेलिक क्लस्टर प्रॉपर्टी शो करने के चांसेस है, मेटेलिक क्लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है ये, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इनकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, दे बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा बिहेवियर शो करते हैं ये? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में सबसे आसान रिएक्शन आपकी क्या है? आपने बर्च रिडक्शन के बारे में बात की है, या आप लोगों ने बर्च रिडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जब हम बर्च रिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जब आप लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन आप यूज करोगे, आपका कोई आर है, तो टू टाइप्स के प्रोडक्ट के बनने के चांसेस होते हैं लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में। एक तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, वन फोर रिडक्शन ये शो करते हैं, एक ये प्रोडक्ट बन जाए प्लस एक ये प्रोडक्ट बन जाए, इसमें भी आप देखोगे तो आपका क्या है, वन फोर रिडक्शन ही हो रहा है। बट ए बनेगा मेजर कि बी बनेगा मेजर, ये डिपेंड किस पे करता है, आर के नेचर पे। अगर आर आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो किसका फॉर्मेशन होगा, ए टाइप के प्रोडक्ट का। अगर आर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो किसका फॉर्मेशन होगा, बी टाइप के प्रोडक्ट का होगा। और साथ ही साथ यही एक ऐसा मेथड है जिसका आप यूज करके अल्काइन को जो है आप क्या करते हो, यू आप जब इस मेथड का यूज करते हो तो अल्काइन जो है कन्वर्ट किसमें होती है, अल्कीन में कन्वर्ट होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है कि जब हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं तो अल्काइन जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट होती है, लेकिन किस टाइप के अल्कीन में कन्वर्ट होती है, ये सेलेक्टिविटी इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आर आर इसका रिएक्शन कराते हो लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में, जब आप करा रहे हो तो ये किसमें कन्वर्ट होता है आपका, अल्कीन में। और अल्कीन जो कन्वर्ट होता है किसमें, ई अल्कीन में मेजर कन्वर्ट होता है इन कंपैरिजन टू जेड के। क्यों होता है ये इसकी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं तो बाउवर्ट ब्लैंक रिडक्शन के बारे में भी आप बात करते हो, बाउवर्ट ब्लैंक रिडक्शन के बारे में जब आप डिस्कशन करते हो तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, ये एस्टर को किसमें कन्वर्ट करता है, एस्टर का कन्वर्जन किसमें करता है, एस्टर का कन्वर्जन नॉर्मल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एप्लीकेशन है, कुछ इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एप्लीकेशन है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो इनके कलर के रेस्पेक्ट में जो ये स्टेटमेंट, एज वेल एज इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट है, और साथ ही साथ कौन कौन से मेटल एग्जिस्ट करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और साथ ही साथ अमाइड का फॉर्मेशन किसके साथ करेगा, और हेक्सा अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किसके साथ करेगा, कौन कौन से मेटल डिजॉल्व है, कलर किस वजह से शो करता है, ये सारा इसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए ऐसे ही इंटरेस्टेड नॉलेज के लिए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए और हमारे प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन परचेज करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको वेल सिस्टमैटिक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन कराई जाती है, लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, साथ ही साथ जो है आप अपनी चॉइस के बैच और टीचर से पढ़ सकते हो, आप लीडर बोर्ड पार्टिसिपेट लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड पार्टिसिपेट में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लर्न एनी टाइम एनी वेयर का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वीकली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके वीकली प्रिपरेशन आप अपनी मॉनिटर कर सकते हो, प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, प्राइस कुछ खास नहीं है, टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, प्लस एंड आइकॉनिक। तो प्लस में बात करें तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, आइकॉनिक में भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, पर्सनल कोच आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्लस और आइकॉनिक दोनों जगह मिलती है, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आइकॉनिक में मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको दोनों जगह प्रोवाइड किए जाते हैं, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल जो है वो आइकॉनिक में मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दोनों जगह है, बट आफ्टर क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू देन दिस प्रिपरेशन इज अवेलेबल इन व्हाट
आइकनिक के फी के बारे में बात करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 45,000 रुपीज है, 12 मंथ के कोर्स की फीस 26,000 रुपीज एंड 6 मंथ के कोर्स की फीस 18,000 रुपीज है। रेफरल कोड आप यूज करोगे तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 24, 12 एंड 6 मंथ के कोर्सेज पे नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे भी इसे परचेज कर सकते हो, लेकिन परचेज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। नहीं है तो फटाफट इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आप प्लस परचेज करने में इंटरेस्टेड तो प्लस के फी के बारे में बात करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 17,000, 12 मंथ का अगर आप लेना चाहते हो तो 12,325, 6 मंथ का लेना चाहते हो तो 9,860, 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250 रुपीज है। यहाँ पे भी रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन जो है 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्सेज पे अवेलेबल है। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मैं बता दूं कि जिन लोगों ने एमएससी पास आउट कर लिया है उनके लिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है और जो लोग एमएससी फाइनल ईयर में है उनके लिए 12 मंथ का, और जो लोग एमएससी में एडमिशन लिए हैं अभी उनके लिए 24 मंथ का कोर्स है, ताकि आप जब कॉलेज से बाहर निकलो तो आप CSIR के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैपेबल रहो, एज वेल एज आप गेट के एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए कैपेबल रहो। साथ ही साथ ये सब्सक्रिप्शन जो है आपके एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जिससे आप एमएससी में मैक्सिमम मार्क्स भी गेन कर सकते हो। तो रेफरल कोड यूज करना मेरा मत भूलिए जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने जाए। मेरा रेफरल कोड जो A Chris 10 है, जिसमें आपको फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जब आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। इफ यू यूज EMI ऑप्शन देन यू कैन आल्सो यूज योर डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। यू कैन हैव अ रजिस्टर्ड UPI आईडी तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हो। मीन्स पेमेंट के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, तो पेमेंट करने की कोई प्रॉबेबिलिटी कोई परेशानी नहीं होगी। सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेज करिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड फैक्ट विद इन अ मिनट कुछ समय में आपको एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपको फैक्ट्स मिलते रहे और आप इजिली एग्जाम में अच्छा कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट के साथ। छोटे से वीडियो में मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्लूड होंगे। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।